यही कुछ चेंजेस हैं जो धीरे धीरे गुरुद्वारों में किए जा रहे हैं, जिससे कि आपको पता है कि कोविड है तो पूरी की पूरी सेफ्टी के साथ लंगर भी बनाया जाए, क्योंकि हजारों की तादाद में लोग लंगर छकने आते हैं बंगला साहिब गुरुद्वारे में। तो इसीलिए सब चीज़ों का ध्यान रखा गया है और ये अप टू डेट रहती है किचन, आप देख सकते हो कितने बढ़िया तरीके से। तो लीजिए जनाब, आज मैं आया हूँ बंगला साहिब गुरुद्वारा और आज आपको दिखाएंगे हम कि किचन जो कि फुली ऑटोमेटिक किचन है, जो नई रेनोवेट की गई है, कहाँ पे बनता है रोज 40 से 50 हज़ार लोगों का लंगर और कैसे छकाया जाता है, पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा। तो चलते हैं सीधा किचन के अंदर, लंगर हॉल के अंदर। तो ये देखो जी, बंगला साहिब गुरुद्वारे आए हैं और जो नया किचन बना है फुली ऑटोमेटिक, आप देख सकते हो ये आलू को पहले धोया जा रहा है और छीला जा रहा है। तो ये ऑटोमेटिक मशीन है जो सारा काम कर देगी, नो ह्यूमन टच, सिर्फ एक बार आलू डालना है। और आप देख सकते हो कि फुली प्रिकॉशन को ध्यान रख के, क्योंकि कोविड है इस वजह से सारे चेंजेस किए गए हैं और बहुत ही बेहतरीन चेंजेस है, ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो और बनाने वाले को भी कोई दिक्कत ना हो। आप देख सकते हो कितने बढ़िया तरीके से आलू छिल रहा है धीरे धीरे और साथ में धुल भी रहा है। तो इसके बाद आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पे सब्जी कटती है, वो भी ऑटोमेटिक मशीन है। तो सारी चीज़ें देखेंगे, पूरा का पूरा वीडियो एंड तक देखो, क्योंकि बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा कि गुरुद्वारे के पीछे जो किचन होती है, वो किचन जो रोज़ के कम से कम 25 से 30 हज़ार लोगों को फीड करते हैं लोग, कि खाना कैसे बनता है, कहाँ बनता है, कौन बनाता है, सब दिखाएंगे आपको इस वीडियो के अंदर। ये देख रहे हो जी आप, पूरा फर्क देख रहे हो, पूरा का पूरा छिलका उतर चुका है 98%। अगर ये कह रहे हैं कि अगर ये हाथ से छिलवाते हैं ये 50 किलो की बोरी, तो कम से कम 2 से 2.5 घंटे लगते हैं, पर यहाँ पर मुश्किल से 4 से 4.5 मिनट लगे हैं और 50 किलो आलू अच्छे से छिल गया है और धुल गया है। आप देखते हैं कि ये कटेगा कैसे, और अब ये देखो अब ये निकालेंगे, क्या बात है। अब इसको कटते हुए दिखाएंगे आपको कि कौन सी मशीन में इसको काटा जाता है। तो ये देखो जी सेकंड मशीन, जिसके अंदर आलू को डाला जा रहा है। आप कोई सी भी सब्जी डालोगे ना इसके अंदर, तो सारी की सारी कट जाएगी, सेम शेप में कटेगी, जैसे ये आप देख रहे हो आलू, क्या बात है ना बढ़िया। ये देखो, बहुत बढ़िया, सलाद मूली कुछ भी चीज, हर एक चीज कट जाएगी और सीधा कट के सीधा नीचे। 4 से 5 मिनट लगेंगे और 50 किलो आलू कट भी जाएगा। अब लेके चलते हैं आपको किचन के अंदर, वो इतने बड़े बड़े बर्तन जिसके अंदर रोज 40 से 50 हजार लोगों का खाना बनता है, कैसे बनता है वो सब दिखाते हैं। तो ये देखो जी, यहाँ पे प्रसादे बन रहे हैं, यहाँ पे रोटियां बेली जाती है और बेलने के बाद सीधा तवे पे डाली जाती है ताकि इसको पकने के लिए। आप देख सकते हो कितनी भारी मात्रा में रोटियां बेली जा रही है और लोग यहाँ पे आते हैं, अपनी मर्जी से आते हैं, सेवा करते हैं, और अगर आप भी आना चाहते हो तो आप भी सेवा कर सकते हो। लेफ्ट साइड में देख मन्नी, लेफ्ट साइड में पूरा का पूरा किचन है जो कि नया बना है, ऑटोमेटिक बर्तन है, उसमें आपको हाथ से हिलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिक सब कुछ हिलेगा। ये देखो बन रही है, ये देख रहे हो मिक्स हो रहा है, ये आधा घंटा लगता है और ये आधे से पौने घंटे में आपकी एक सब्जी तैयार हो जाती है, जो कि ये बर्तन 250 किलो सब्जी बनाता है, 250 किलो इसकी क्वांटिटी का इसका वो है, आप देख सकते हो। और डेली 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 क्या, कम से कम 2 से 3 बार खाना बनता है, और जैसे जैसे ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे जरूरत पड़ती है तब ये बनाते हैं, पर अदरवाइज एक दिन में 2 बार तो बनता ही है, दिन में बनता है चावल, हाँ चावल करी जो मर्जी। तो ये देखो, ये दाल है, ये तो ये कुकर, ये दाल बन चुकी है और अब दिखाएंगे आपको कि ये डालते कैसे है, क्योंकि 12 बज चुके हैं और लंच तैयार हो चुका है, लंगर दोपहर का तैयार हो चुका है और 12 बजे स्टार्ट कर देते हैं बरताना। तो इसको अब इस बड़े पतीले में डाला जाएगा और फिर सीधा ट्रॉली में लेके जाएगा लंगर हॉल में। तो ये देखो जी, ये अब दाल डाली जाएगी इसके अंदर, ये देखो सब कुछ ऑटोमेटिक है, कुछ नहीं करना। यही कुछ चेंजेस हैं जो धीरे धीरे गुरुद्वारों में किए जा रहे हैं, जिससे कि आपको पता है कि कोविड है तो पूरी की पूरी सेफ्टी के साथ लंगर भी बनाया जाए, क्योंकि हजारों की तादाद में लोग लंगर छकने आते हैं बंगला साहिब गुरुद्वारे में। तो इसीलिए सब चीज़ों का ध्यान रखा गया है और ये अप टू डेट रहती है किचन, आप देख सकते हो कितने बढ़िया तरीके से डाला जा रहा है, कोई हाथ टच नहीं हो रहा है, सिर्फ इसको ले जाने में हाथ टच होगा जो पतीले को उठाएंगे, अदरवाइज कोई ह्यूमन टच नहीं है, आप देख सकते हो।
क्या बढ़िया तरीके से यार, ये टोटल 350 किलो दाल है, 350 किलो का कुकर है ये, मतलब कि 60 किलो कच्ची दाल इसके अंदर डाली जाती है और बाकी पानी मसाले सब डालने के बाद ये 350 किलो बनती है। तो आप, मैं जैसे बता रहा हूँ कि रोज 40 से 50 हज़ार लोगों का लंगर बनता है। और ये देखो, ये आगे ट्रॉली, अब इस ट्रॉली के अंदर इसको उठाया जाएगा और लंगर हॉल लेके जाएगा। ये देखो जी, ट्रॉली में लगा दिया है और अब इसको साइड में रख दिया, जब भी जरूरत पड़ेगी इसको लंगर हॉल के पास लिया जाएगा। अभी ये पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, ये इसमें और भी पड़ी है, मतलब कि ये 350 नहीं था, अभी ये और है, अभी आधी और है कम से कम। तो आप दिखाते हैं आपको कि ऑटोमेटिक मशीन जो कि रोटियां बनाती है हजारों की तादाद में, वो देखिए। ये देखो जनाब, आटा गूंदा जा रहा है, ये आटा गूंदने की मशीन है और इसके अंदर बस पानी आपको हाथ से डालना पड़ेगा, मैनुअली डालना पड़ेगा, बाकी ये आटा अपने आप गूंदेंगे। अब ये 20 से 25 किलो आटा इसके अंदर डाल रहे हैं, ये 10 किलो एक डाल चुके हैं, ये दूसरा 10 किलो का पैकेट है। तो ये देखो भाई, 20 किलो आटा डाल दिया, सूखा आटा, और इसके अंदर अब मैनुअली पानी डाला जाएगा अंदाजे से कि कितना पानी डालना है। और जब ये आटा पूरा गूंद जाएगा उसके बाद ये ऑटोमेटिक मशीन के अंदर रखा जाएगा, जिसमें ये अपने आप रोटी का शेप ले लेगी, पेड़े बनाएगी, फिर रोटी का शेप ले लेगी और फिर रोटी को सेक के सीधा बाहर निकालेगी। तो आप अभी आप देख सकते हो कि 20 किलो आटा गूंदा जा रहा है, क्या बात है, मतलब कि आप ये देखो कि कितने एफर्ट्स लगते हैं लंगर बनने में, 40 से 50 हजार लोगों का वीकडेज में बनता है और वीकेंड के अंदर कम से कम ये 70 से 80 हजार हो जाता है। तो ये देखो जी, आटा पूरा गूंद चुका है और अब इस आटे को डाला जाएगा उस मशीन के अंदर। तो ये देखो जी, यहाँ पे अब आटा डाला जा रहा है, ये आटा गूंद चुका है जो भी आपके सामने गूंदा है, और ये मशीन के अंदर डाला जा रहा है, जो ये धीरे धीरे आगे चलेगी और इसको एक एक रोटी का जो पेड़ा होता है, जो पेड़ा होता है, उस आकार के अंदर इसको कट किया जाएगा। तो ये देखो जी, यहाँ पर जैसे बताया कि ऑटोमेटिक मशीन देख रहे हैं आप कि ये इसको एक रोटी की शेप के लिए पेड़े में कट किया जा रहा है। आप देखते हो हर एक पेड़ा जो है वो इक्वली है, और ये सूखा आटा जो कि धूड़ा लगाया जाता है जब रोटी बेलते हैं, ताकि रोटी चिपके ना या फटे ना। तो ये इसके अंदर देख रहे हो, ये आराम से आ रहा है और यहाँ पे रोटी बेल के सीधा बाहर निकाल रहा है। तो ये प्रसादा बेल गया, प्रसादा बेलने के बाद सीधा आगे चल रहा है जहाँ पर, अब ये गैस के अंदर जा रहा है और एकदम स्लो चलेगा, एक बार राउंड नहीं लगेगा, कम से कम 3-4 राउंड है, 2-3 राउंड है, आप देख सकते हो उसके अंदर रोटी को सेक लगता है और सेक लगने के बाद सीधा एंड में आके वो निकल जाएगी, जब पूरी डन हो जाएगी। अब दिखाते हैं आपको कहाँ पे निकलेगा प्रसादा। तो ये देखो जी, गर्मा गर्म प्रसादे रेडी हो चुके हैं और अब इसको लंगर हॉल में लेके जाया जाएगा। पहले इस पर घी लगाया जाएगा और फिर लंगर हॉल में लेके जाया जाएगा। देख रहे कितने फूले फूले निकल रहे। तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि अब लंगर हॉल, और दिखाता हूँ वो जगह जहाँ पे अभी भी ये मशीन होने के बावजूद रोटी बनाई जाती है, मतलब प्रसादा बनाया जाता है हाथ से मैनुअली। तो ये देखो जी, अब गेट खुल गया है और अब लोग संगत अंदर आ रही है लंगर छकने के लिए। तो अब पहले सब बैठ जाएंगे और उसके बाद इनको जो प्लेटें हैं वो दी जाएंगी। तो ये देखो जी, पहले सबसे पहले दाल परोसी जा रही है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, कभी भी आप गुरुद्वारे आए लंगर छकने के लिए तो उतना ही लंगर लीजिए अपनी प्लेट में, जितना कि आप पूरा खा सकें, वेस्ट ना करें, क्योंकि वेस्ट करेंगे तो आप ये समझ लो कि किसी और के हिस्से का आप डस्टबिन में फेंक रहे हो। तो इससे बेटर है कि आप उतना ही खाओ जितना आप पूरा खा सको, लंगर वेस्ट नहीं होना चाहिए बस। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, ये एक रिक्वेस्ट है। और कभी भी गुरुद्वारे आए तो कोशिश करना खुद सेवा करने की अंदर, क्योंकि सेवा करके जो आनंद मिलता है, लोगों को जो फीड करने में आनंद मिलता है, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। और आप देख सकते हो सारे के सारे बंदे नीचे ज़मीन पे बैठे हैं, जैसा मैंने बताया कि चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो, चाहे कोई मिनिस्टर हो या छोटी सी नौकरी करता हो, हर एक बंदा यहाँ पर एक समान लेवल पे, इक्वल लेवल पे बैठ के लंगर छकता है। और जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनके लिए सीट लगा रखी हैं जिनको नीचे बैठने में तकलीफ होती है। तो आप देख सकते हो प्रसादा दे रहे हैं। तो ऐसे पूरा का पूरा ये प्रोसेस है जो दिन भर चलता है और ताज़ा लंगर बनता है। कोई भी चीज़ बासी नहीं परोसी जाती, हर एक चीज़ ताज़ा बनाई जाती है, क्या बात है।
तो ये देखो जी, यहाँ पर सारे झूठे बर्तन आते हैं और एक बार उसको साबुन के पानी से निकाल के यहाँ रखा जाता है और उसके बाद ये ऑटोमेटिक मशीन है जो इसको साफ कर लेती है साफ पानी से और फिर ड्राई करके उस तरफ से बाहर निकालेंगे। तो आपको दिखाता हूँ मैं, सारी थालियाँ अपने आप धो के अपने आप ड्राई होकर निकल रही है ताकि इनको दोबारा यूज किया जाए और जो अगले बैच में संगत आएगी ये उनके लिए थालियाँ तैयार होती है। और हम आपको दिखाते हैं कि ये थालियाँ अगले बैच में तैयार।